पहले तो सभी प्रेस बंधुओं को नामसाई में स्वागत करता हूं। आप लोगों को मालूम है कि नामसाई टाउन जो है, नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश एज ऑन टुडे। और आप लोगों को सुनकर खुशी होगा कि यहाँ इसी महीना के 8, 9, 10, 11, 12 ये चार दिन लगातार C20 का कॉन्क्लेव होने वाला है। इस कॉन्क्लेव में जो थीम है डाइवर्सिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उस पे चर्चा होगा। दुनिया भर का जो लोग है, स्कॉलर्स है, डिप्लोमेट्स है, वो आएंगे। वहाँ ग्रुप डिस्कशन होगा, पैनल डिस्कशन होगा, हमारे मुख्यमंत्री भी रहेंगे, गांव साहब भी रहेंगे और केंद्र मंत्री भी आएंगे। वहाँ से केंद्र से बड़े बड़े लोग आएंगे, डिप्लोमेट्स आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे। खूब धूमधाम से हम C20 मनाएंगे इस टाउन में। आप सबको मालूम है कि 30 तारीख को बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का 9 साल का पूरा हो गया है और 31 तारीख को हमारा बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी ने महाजन संपर्क का अभियान का शुरुआत किया है और 31 मई को हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एड्रेस किया है अजमेर राजस्थान से। उसने क्या कहा उस समय, उन्होंने, मैंने सुन रहा था, मैंने भी उसमें उनका भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि हमारा महिलाओं के लिए, भारतवर्ष के महिलाओं का अवस्था क्या था, और चूल्हे में आग जलाने के लिए खोरी फूक फूक के धुआं में उनका आँख खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है, लेकिन सोचा नहीं उस समय का सरकार ने कि उनको गैस सिलेंडर देना है। तो मोदी जी आ गए, उज्ज्वला योजना का शुरुआत किया, उनका पॉलिसी शुरुआत किया, योजनाओं का शुरुआत किया। और भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाके में और डेजर्ट इलाका में एक महिला जब पानी घड़ा लेके पानी लेने जाता है, पहाड़ी इलाका में एक महिला जब नीचे जाके लाते हैं पानी, ऊपर आता है, हर दिन जाता है आता है, और डेजर्ट में कितना दूर घूम घूम के वो पानी लाता है घड़ा माथे पे लाके, तो अगर हिसाब किया जाए तो उनका पूरा जब बुरी हो जाता है, उनका जीवन का आधा हिस्सा वो पानी लेने में उनका ख़त्म हो जाता है। तो नल से जल उसका योजना का शुरुआत किया है। आज सभी महिलाओं को, सभी हाउस होल्ड को नल से जल मिलता है, टेप वाटर घर में मिल जाता है। इस तरह का यह हम योजना लिया है। पॉलिसी पैरालिसिस था उस ज़माना में, पॉलिसी लेने के लिए उनका साहस नहीं था, डिसाइसिव नहीं था। आज डिसाइसिव पॉलिसी मेकिंग हम कर रहा है। फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में हम पहुंच गया है। आप भारतवर्ष फ्रेजाइल इकोनॉमी, उस समय फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में पर, अपना परिवार अपना विकास यह मंत्र लेके कांग्रेस सरकार चलता रहा। आज हमारा मंत्र क्या है, सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र लेके हम चला ये सरकार चला रहा है, हम गवर्नेंस कर रहा है। तो इसलिए अब देखा है कि कौन सोचता रहा है कि भारतवर्ष में एक साधारण जो आदमी है, एक लेबर है, एक साधारण जो गाँववासी है या लेबर है, कोई भी है, उनका बैंक में खाता खुलेगा, यह सपना से दूर था। किसी का बैंक में खाता खोलता ही नहीं था। मोदी जी आके ही जनधन योजना का शुरुआत किया है, बैंक का खाता खोल दिया है वहाँ में। कोविड का समय फ्री राइस 80 करोड़ लोगों को फ्री राइस वितरण किया है उस समय, कोविड का समय में। आप और आप देखा जाए तो पीएम आवास योजना हो, स्वच्छ भारत 2014 में लाल किला से उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है, स्वच्छ भारत।
स्वनिधि, स्वनिधि में 34.45 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये बेनिफिट मिला है। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन दिया है हमारा ये लोगों को, गांववासियों को। कैश ट्रांसफ़र किया है महिलाओं को, कैश ट्रांसफ़र किया है कोविड का समय 20 करोड़ महिलाओं को कैश ट्रांसफर, डीबीटी ट्रांसफ़र किया है वो भी ये लॉकडाउन के समय में। कांग्रेस कहता है कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ट्रैवल के खिलाफ है, ट्रैवल पे बुलाया नहीं है वो ये आपका ये पार्लियामेंट इनोग्रेशन में, ट्रैवल को लॉकडाउन करता है। आप देखेगा तो 60% यहाँ में हमारा मंत्रिमंडल में, मोदी जी का मंत्रिमंडल में 60% ट्राइबल से SC है, ST है, OBC है। सबसे ज़्यादा काम हाँ किसका, किसके लिए किया है मोदी जी ने? OBC के लिए किया है, आदिवासियों के लिए किया है, ट्राइबल के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। मोदी सरकार कहता है कि नॉर्थ ईस्ट का बिना हम देश का जो उन्नति है, देश का विकास है, हम सोच नहीं सकता है नॉर्थ ईस्ट को सोच के। पहला प्रधानमंत्री है नॉर्थ ईस्ट पे एक पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉलिसी ले आया है, 6 पिलर का पॉलिसी है। 6 पिलर में क्या है? हाईवे है, रेलवे है, एयरवेज है, रिवर वेज है, IT वेज है, टेलीकम्युनिकेशन वेज है, पावर वेज है। इस तरह का 6 जो है डेवलपमेंट पिलर उन्होंने एक पॉलिसी हमारे लिए बनाया है। आपको अगर आप, हाँ एक ज़माना था अरुणाचल में आने के लिए लोग दो, हाँ सोचने होता है, डिराक गेट पहुँचते ही, डिराक गेट पहुँचते ही लोग सपना देखता है रात को कि मैं किस तरह डिराक नदी पार हूँ, और सॉरी हमारा ये दिहिंग नदी पार हूँ, दिहिंग नदी पार होने के बाद किस तरह हम बैरंग पार हूँ, किस तरह आलूबारी पार हूँ, हमारा ये कमलांग पार हूँ, किस तरह लोहित नदी पार हूँ, किस तरह दिगारो नदी। तो यहाँ नामसाई से तेजू पहुँचने में 2 दिन लगता रहा, कभी हाथी का ऊपर, कभी पैदल, कभी नौका में जाना है, कभी DC को चलना है तो आलूबारी से वो खबर भेजता है एक दिन आगे मैसेंजर भेजता है कि DC आने वाले है, वहाँ लक्ष्मी माझी का नौका भेज दो, वहाँ बंधु का हाथी वहाँ में तैयार करके रखो। इस तरह का एक ज़माना था। आज क्या हालत है देखिए, पिछले 9 साल में मैं बताऊँ, उसका पहले भी ना है, विदिन 9 ईयर्स आई टेल यू, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए, हाँ मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जाता हूँ, यहाँ से तेजू नमसाई, अभी उस ज़माना में 5 डिस्ट्रिक्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, लोहित डिस्ट्रिक्ट, अभी तो 5। अब नमसाई से तेजू जाने के लिए अब वहाँ, उस ज़माना में ट्रेजरी नमसाई तेजू में होता रहा, स्क्रॉल यहाँ से जाता है, स्क्रॉल ले जाने के लिए 2 दिन लगता है। तो आज का दिन में, आज 2 घंटा में, 1 घंटा में तेजू पहुँच जाते हो, 40 मिनट में मैक्सिमम चौखाम से, 40 मिनट में नमसाई से, 1 घंटा में, 40 मिनट में आप पहुँच जाते हो। रोइंग जाने के लिए 1 दिन लगता रहा, 1 घंटा में पहुँच जाता। पासीघाट जाने के लिए 2 दिन लगता है, अब डिब्रुगढ़ होके जाना होता है, आज 2.5 घंटा में। आज एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, एक ज़माना था 2 दिन 3 दिन लगता रहा, आज एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगता है, 2.5 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस तरह का जो रोडवेज में, हाईवेज में परिवर्तन आया है, पूरा वेस्टर्न सेक्टर से लेकर ईस्टर्न सेक्टर में हाईवे में पूरा विकास चल रहा है। और जो हम हमेशा कहता है कि हमारा जो फ्रंटियर एरिया है, जो हमारा 3 देशों का साथ हमारा जो सीमा जुड़ा हुआ है, भूटान हो, आपका ये तिब्बत चाइना हो या म्यांमार हो, उस इलाका का विकास होना चाहिए, किसी ने सोचा नहीं है। ये मोदी सरकार आते ही 44,000 करोड़ का अभी वहाँ व्यय होगा फ्रंटियर हाईवे में, 44,000 करोड़ का। और वहाँ में जो है आपका जो वाइब्रेंट विलेज है, और वाइब्रेंट विलेज को कनेक्टिविटी देगा 1,400 कितना, अरुणाचल में ही सबसे नॉर्थ ब्लॉक में, जो हिमालयन बेल्ट में सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट विलेज अरुणाचल प्रदेश में है। फर्स्ट फेज में हम 450 विलेज को, हम गांव को लेने वाले हैं, उसमें से 136 गांव टोटली अनकनेक्टेड है, उसमें PMGSY रोड से जोड़ा जाएगा। अभी
उसमें 136 को अभी DPR बन रहा है, मुझे खबर मिला है कि 2000 करोड़ का DPR बन रहा है अभी। इस तरह का आयोजन मोदी सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज का जो है आपका जो बॉर्डर एरिया में, आज बॉर्डर एरिया में जो गांव है कहो बोलो आप, LAC का एकदम नज़दीक है कहो बोलो आप, और आप अपर सियांग में आप गेलिंग बोलो LAC का एकदम नज़दीक है, और आप टाक्सिंग बोलो सुबनश्री में टाक्सिंग बोलो, और तवांग में आप लुबुठांग बोलो, ये पांच गांव लास्ट विलेज कहता रहा, लास्ट विलेज हम गिनती में लास्ट विलेज इंडिया का लास्ट विलेज है। आज मोदी सरकार कहता है कि ये फर्स्ट विलेज है हमारा लिए, ये फर्स्ट गांव होगा। इस तरह का एक पॉलिसी, एक बदलाव लाया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, रिफॉर्म लाया है विकास के लिए। मोदी सरकार ने इस तरह का विकास लाया है। 44,000 करोड़ में फ्रंटियर हाईवे तो हो गया होगा, फिर कॉरिडोर कनेक्टिविटी भी होगा। अरुणाचल सरकार द्वारा जो हम है हमारा डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी होगा, डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी होगा, सर्कल हेडक्वार्टर कनेक्टिविटी होगा, वो हमारा चीफ मिनिस्टर्स स्टेट रोड डेवलपमेंट ये जो योजना है उससे हम करेंगे, ये सब का कनेक्टिविटी करेगा। इस तरह का रोडवेज में हो रहा है, रेलवेज आ गया है, आप टनल बन गया है आपको तवांग जाने के लिए, दो दो टनल बन गया है, अभी थोड़े देर में दोनों टनल कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे सभी डिस्ट्रिक्ट में रेलवे जाएगा, तवांग में रेलवे जाएगा, कोई सोच सकता रहा? रुपए से अभी परशुराम कुंड में रेलवे आ जाएगा। इस तरह का रेलवे का हाँ योजना चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। एयरवेज बोलो आप, कौन सोचता रहा कि अरुणाचल प्रदेश में उस समय ये आपका आपका ये पॉलिटिकल विल पावर नहीं था? हम सोचते थे, सोचते तो थे, बोलते थे तो लगा बनाएगा बनाएगा बनाएगा, लेकिन बना नहीं पाया। मोदी जी आके ही एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन दे के, लोगों को एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन दे के वहाँ में आज एयरपोर्ट, सुंदर एयरपोर्ट पूरा अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ ईटानगर के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, उड़ान द्वारा। मोदी जी कहता है कि जो चप्पल पहने वाला है उनको भी हम उड़ान से ले जाएंगे, कितना सुंदर है। आप गुवाहाटी सिटी से आप गुवाहाटी एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी भाड़ा 1500 रुपया है, और गुवाहाटी से ईटानगर आने के लिए 1100 रुपया फ्लाइट भाड़ा है। इस तरह का योजना चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, भारतवर्ष में, कितना सुंदर बात है। आप जीरो से जोड़ा गया है, पासीघाट से जोड़ा गया है, तेजू से जोड़ा गया, अभी हम मेचुका से भी जोड़ेंगे और टूटिंग से भी जोड़ेगा, और हम विजयनगर से भी जोड़ेंगे। अति शीघ्र ही हम इसको उड़ान का साथ हम जोड़ देगा आपका, और आपका टेलीकम्युनिकेशन वेज बोलो। एक ज़माना था हम यहाँ आते हैं, नामसाई में आते हैं तो चौखाम से फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन घुमाने वाला फ़ोन है ना, जानते हैं ना, क्रिंग क्रिंग बाजता है ना, यहाँ फोन बजाने से वहाँ में वो घुमाएगा, हेलो तेजू बोलेगा, फिर तेजू में उठाएगा तो उठाएगा, नहीं उठाएगा तो एक घंटा लगाते रहो। हाँ DC साहब जा रहा है यहाँ चौखाम से, वहाँ माझी को भेज दो, नौका भेज दो, लक्ष्मी माझी का नौका भेज दो, बंधु का हाथी भेज दो, हाँ इस तरह का था। अभी हाँ उस अभी 4G आ गया है, 5G आ गया है टाउन में, 4G हमारा 500 कितना विलेज में तो 4G कनेक्टिविटी हो गया है। अमित शाह जी खुद जाके अंजाव डिस्ट्रिक्ट जाके हम आपको वो 4G कनेक्टिविटी करके आया है। हम ये भी योजना लिया है अरुणाचल प्रदेश में कि हम लास्ट जो बॉर्डर है, बॉर्डर विलेज है उसके, उस पर हम मॉडल विलेज बनाएगा। हम अपना सरकार से, अरुणाचल सरकार से हम मॉडल विलेज, तीन मॉडल विलेज अभी बनाने वाला है, तीन मॉडल विलेज होने वाला है, वो होने का साथ और हम मॉडल विलेज बनाएगा। 17 स्टैंड अलोन जो है माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट बनाए हैं हम, फर्स्ट फेज में 50 करोड़ का स्टैंड अलोन माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट हम ले रहा है। उसमें से मोदी जी जाके अंजाव जाके 9 का उद्घाटन किया है, बाकी जो है बाकी अभी 2 महीना में, अभी इस महीना में जून जुलाई में वो बाकी का भी ख़त्म होगा, फिर सेकेंड फेज का हम शुरुआत किया करेगा। इस तरह का ये जो स्टैंड अलोन जो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट होगा, वहाँ में आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, गाँव वालों को है, उनका बिजली मिलेगा। तो आज बिजली का बात बोले तो सौभाग्य में पूरा का पूरा सेचुरेशन हो गया, सौभाग्य योजना में हो, ये जो है
रिवरवेज में है। रिवरवेज में अरुणाचल प्रदेश में बहुत स्कोप है। एक ज़माना था हम सिर्फ रिवर से ही जाता रहा। चोखम से जाना होता है तो हम लोहित नदी होके फिर ढोला पहुंचता है, ढोला से फिर रोड कनेक्टिविटी में चला जाता है। रिवर वेज का ही चलता रहा। आप बिजनेस बोलो या ट्रेडिंग बोलो, सब रिवर से चलता रहा। वो ज़माना सियांग नदी में है, दिबांग नदी में है, उस ज़माना अभी भी उसको बहुत है। उसको भी हम पुनरुद्धार करेंगे, हम उसको भी वापस लाएंगे। रिवर वेज में भी हम लाएंगे उसका। हाँ, पावर वेज आप, हाँ मैं तो कहा हूँ कि पावर में अभी जो ट्रांसमिशन लाइन PGCIL द्वारा ट्रांसमिशन लाइन धूमधाम काम चल रहा है। इस तरह का चारों प्रकार जो 6 पिलर में हम पूरा हम काम कर रहा है। आप देखो, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन का बात बोले या रिफॉर्म का बात बोले, करप्शन बंद करने के लिए हम क्या क्या नहीं किया है। SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक्ट पास करके लाया है, अभी करप्शन बंद हो गया। अरुणाचल पब्लिक सर्विस अनफॉर्चुनेट है जो इंसिडेंट हुआ, उस पर भी सरकार पूरा का पूरा कार्रवाई करता है। सरकार का जो सिंसियरिटी है वो दिखाता है। नथिंग डूइंग, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ आवर डिटर्मिनेशन, विथ आवर पॉलिसी, विल नॉट सकम टू। एक ज़माना था एपीसमेंट पॉलिसी लेता रहा, आज एपीसमेंट पॉलिसी नहीं है। आज एक ज़माना था हम नमसाई से जाते हैं तो पड़ोसी राज्यों में जाके अटक जाता है, बंद होता है, दिन भर वहाँ अटक जाता है, फिर ईटानगर जाता है, बंद ही बंद होता है। तो आज BJP सरकार आते ही बंद कल्चर ख़त्म हो गया है। आज हेमंत बिश्व शर्मा का सरकार में यहाँ बंद नहीं है, आज असम में बंद नहीं है, आज अरुणाचल में यह बंद कल्चर हम लोग ख़त्म किया है। एक स्ट्रॉन्ग हम डिटर्मिनेशन लेके, स्ट्रॉन्ग हम लोग ये लेके पॉलिटिकल विल पावर लेके हम सरकार चला रहा है। इस तरह से हम काफ़ी रिफॉर्म लाया है। हम आज GDP ग्रोथ में हमारा 17,000 था 2014 में, अभी 48% हो गया। 17,000 था, अभी 48,000 GDP 48,000 हुआ। आप लिख लीजिए ये बात। हाँ, उसके बाद स्टेट बजट है 1200 करोड़ से लेके अभी 2013-14 में 1200 करोड़ लेके अभी 38,000 करोड़ 2023 में हो गया है हमारा। एयर कनेक्टिव का बोल, रेलवे कनेक्टिविटी, 4G हाईवे, ये सब, वाइब्रेंट विलेज, ये सब बोल दिया। असम और अरुणाचल बॉर्डर इश्यू जो है सदियों से चलते आया है। हालांकि हम असम का साथ, पड़ोसी राज्य का साथ, हमारा सोशली हमारा पुराना रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, भाई बंधुओं का रिश्ता, भाईचारा का रिश्ता था, है अभी भी। लेकिन ये बाउंड्री थोड़ा बाउंड्री इशू को सॉल्व करने के लिए उस समय सरकार प्रयास किया रहा, लेकिन कर नहीं पाया। आज सरकार, हाँ, जो भारत सरकार मोदी जी का नेतृत्व में और अमित शाह जी का लीडरशिप में, हेमंत बिश्व शर्मा और पेमा खांडू का प्रयास में, आज पूरा दोनों राज्यों का बीच बॉर्डर इशू भी खत्म होने वाला है। जल्द शीघ्र ख़त्म हो जाएगा, हमारा यहाँ तो ख़त्म कर दिया, एट वन स्टॉप वी हैव फिनिश। तो इस तरह का हमारा जो है एक विकास का ओर हम लोग आगे बढ़ रहा है। तो अभी हमारा जो आने वाले समय में नमसाई में बहुत बड़ा रैली होगा। कल हमारा जनसंपर्क हम लोग कर अपने मैं भी जाऊँगा, मैं टिफिन, हमारा जो टिफिन का जनसभा करेंगे, हम टिफिन खाएंगे लोगों का साथ। हम 7 तारीख को यहाँ में, मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिंगनू साहब अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, जुम्मू मेटे देवरे गांव साहब तो ये बहुत जनसंपर्क अभी करके आया है तिराप चांगलांग में। इस तरह का हम इस महीना का पूरा जनसंपर्क अभियान में हम लोग पूरा लगा देंगे। और 6 तारीख को ईटानगर में, 6 तारीख को ईटानगर में महारैली होगा, वहाँ महारैली होगा। हमारा यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी आएंगे, हम रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, हम लोग सब मिलके बहुत बड़ा। और मोर्चा का जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव कल होने वाला है, मैं भी जा रहा हूँ आज। हाँ, वहाँ जो मोर्चा के जो है एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव ईटानगर में होने। और 18 तारीख को JP नड्डा जी आ रहा है नमसाई में, आ रहा है। बहुत बड़ा एक महारैली हम लोग करने वाला है। हम लोग पूरा का पूरा अरुणाचल में एक अवेयरनेस, एक बात, बीजेपी का जो है 9 साल का जो, हाँ,
सुशासन है, गरीब कल्याण का जो योजना है पूरा का पूरा हम बता देंगे लोगों को। हमारा वर्कर को, हमारा जो ग्रास रूट का जो वर्कर के है उनको भी बता देंगे। हम कल उनका साथ बात करेंगे, उनको भी यही मैसेज देंगे कि आप जाओ गांव गांव जाओ, अभी इलेक्शन आ रहा है। हमारा मोदी जी का जो जो सोच है, विजन है 2047 में भारत एक विकसित देश होगा, भारत एक विश्व गुरु होगा, उसका योजना किस तरह है। बिना योजना का तो होगा नहीं ना विश्व गुरु, किस तरह का होना है। हम अपना इतिहास को भूलना नहीं है, अपना हिस्ट्री को भूलना नहीं है। अपना हिस्ट्री को जानकारी किसने दिया? आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम तो एंग्लो आबोर वार नहीं जानता रहा, नीनू मैसाकर के बारे में हमको नहीं आता रहा, रनुआ गुहा है चौफा पुलांगलू के बारे में हमको जानकारी नहीं था। जब अमृत महोत्सव आया तब बोला है कि अपना अपना जो अनसंग हीरो है जिन्होंने आहुति दिया है अपना जीवन देश के लिए, तब हमने चर्चा करके, हमने रिसर्च करके, हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने रिसर्च करके असम आर्काइव से, दिल्ली आर्काइव से, लंदन जा के पूरा का पूरा मटेरियल कलेक्ट करके 200 से ज़्यादा हमारा अनसंग हीरो पाया गया है। और उसमें से 3 जो नॉन जो वार है, जो ब्रिटिश का साथ लड़ाई किया है हम लोग उस समय 1839 में, कॉलोनियल एरा का साथ हम लड़ाई किया है खमटी लोगों ने 1839 में, ब्रिटिश को डिफीट किया है उस समय 1839 में। फिर 1858-59, 1895, 1912-13 एंग्लो अबोर वार, चार बार हाँ ये जो अबोर आदि लोगों ने ब्रिटिश को डिफीट किया है। फिर 1875 में नीनू मैसाकर, कौन ये जो कैप्टन होलकॉम वहाँ जा रहा था, हाँ वहाँ लोगों को बेइज्जती किया, हाँ तो ये सह नहीं पार के वहाँ का जो है जो वांचू जो ट्राइब है उन्होंने पूरा का पूरा 80 ब्रिटिश को मार डाला, उसको ख़त्म किया। तो इसीलिए सर्विच्युत नेचर हम उसी जमाने से नहीं है, हमारा जो गुलामी जो नेचर है हमारा अरुणाचल प्रदेश में है नहीं, हम करेगा भी नहीं है। हाँ इसीलिए मोदी जी कहता कि जो हम गुलामी क्यों रहेगा, उस जमाना का जो नाम दिया है हमारा स्ट्रीट को, जो स्ट्रीट को ब्रिटिश राज का नाम से लेके क्या है उनको हम अपना नाम से, अपना बहुत जो लोग है जिसको हम आज हम हिस्ट्री में हम लेते नहीं हैं उनका नाम से हम रखेंगे रास्ता। इस तरह का अपना इतिहास को भी भूलना नहीं, संस्कृति को आपको ये प्रोटेक्शन करना है, अपना जीवित रखना, प्रिजर्व करना है। तो इस तरह का जो मोदी सरकार जो ये आयोजन लेके पूरा भारतवर्ष में ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो आप सभी राज्यों में एक विकास का जो दौर है चल रहा है, तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, इसी का साथ एक सुंदर भारत 2047 में एक विकसित भारत बनाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटेड एंड आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दिस 3 विलेज विल टेक अप इन अनदर बॉर्डर एरिया विलेज ऑल्सो। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज ए एज ए In the beginning, we have taken 3 villages as a modern, as a pilot project. But now it will not remain pilot project. It will go across the border also, as a spread across. Sir, earlier in the last your last government, it was decided that every assembly constituency of state will be a modern village. So, can you say something about that? No, that modern village, those ongoing modern villages, we will be completing. But we will not further take up the model village in the constituency. Sir, ये vibrant village जो 450 village जो identified हुआ था, अभी शायद सुनने में आ रहा है कि 143 villages को first phase में शायद take up कर रहे हैं, तो उसका क्या status है? नहीं, अभी ऐसा है कि आपका जो vibrant village में 1500 से ज़्यादा गांव है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, across the हिमालयन बॉर्डर, तो उसमें से 450 गाँव को फर्स्ट फेज में हम लोग टेकअप कर रहा है। उसमें से 136 गाँव में कनेक्टिविटी नहीं है, उसको भी सरकार शीघ्र ही डीपीआर बना रहा है, डीपीआर बना PMGSY रोड कनेक्टिविटी दे रहे हैं।
डीपीआर का स्टेज कंप्लीट होने वाला है सर? हाँ, डीपीआर अभी मुझे जानकारी दिया है, मुझे जितना तक जानकारी दिया है कि ये डीपीआर, ये हमारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना, आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उन्होंने बताया है कि ये डीपीआर प्रोसेस पे है और ये डीपीआर ख़त्म होने से अरुणाचल प्रदेश में 2000 करोड़ का ये जो 136 विलेज का में रोड कनेक्टिविटी में व्यय हो। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर एरिया में तो ये प्रॉब्लम तो है ही है। अभी जो है टावर नहीं जा रहा है, 4G नहीं जा रहा है, आखिर में हम 550 गाँव में तो 4G कनेक्टिविटी दे दिया है ना, क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है वहाँ में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश स्पार्सली पॉपुलेटेड है, हाँ, और दूर दराज में रहते हैं, तीन घर का रहने वाले गाँव हैं उनको भी कनेक्टिविटी देता है, चैलेंजेस है हमारा, वो चैलेंजेस के बावजूद हम लोग ये कनेक्टिविटी दे रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन हम लोग कनेक्टिविटी देगा। वाइब्रेंट विलेज में भी हम लोग जो कन्वर्सन करके अलग अलग क्षेत्र से लेकर, मोदी जी कहते हैं कि कन्वर्स करना है, आप एक स्कीम को उसी को ऊपर मत छोड़े, दूसरा से भी ले कुछ ऐसा कन्वर्सन करके कुछ स्कीम को। इंस्टॉलेशन तो हो रहा है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स आपको किसको दे रहे थे? सर, ये एयरटेल मोबाइल टावर इंस्टॉल किया है, लेकिन उनका सर्विस जो कभी कभी खराब हो जाता है, तो वो सर्विस का कंटिन्यूटी रखने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेना है? उसमें देखिए, हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है, उनसे हम लोग बात करके, जहाँ जहाँ ये आपका सवाल सही है कि बहुत सा ऐसा मोबाइल टावर है काम नहीं कर रहा है, आप अंजाव में जाइए, अंजाव में भी बहुत साल से डिफंक पड़ा हुआ रहा, अभी वो डिफंक नहीं है, अभी चलने लग गया है। इस तरह का हम लोग एक मॉनिटरिंग, एक हम लोग जो सिस्टम है उनको लाएगा, क्योंकि आपका सवाल सही है, दिस इज एन अवेयरनेस फॉर आवर गवर्नमेंट ऑल्सो दैट वी हैव टू एक मॉनिटरिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहा है, चीफ मिनिस्टर खुद उसमें मॉनिटरिंग कर रहा है, तो मॉनिटरिंग में हम लोग जोड़ लेगा। अभी कोई कोई बॉर्डर एरिया में तो आपका चाइना का टावर दिखाई देता है मोबाइल में, चाइना का टावर दिखाई देता है, उनका तो टावर आता है, इसीलिए हम लोग का भी आ रहा है ना। जो ऑलरेडी BSNL एग्जिस्टम है नेटवर्क, वहाँ पे जैसे कि अभी एग्जाम्पल तत्व सकते हैं, कतर सी भी वहाँ इंस्टॉल वर्जन एयरटेल 4G, वेर इज वहाँ पे मोबाइल कॉल करने से बिल्कुल नहीं लगता है, ओनली वी कैन तो टेक इट ट्रू वहाँ से बोलते हैं। उसके बाद रिसेंटली फिर से एक ये वन यू सेंटर में फिर से इंस्टॉल हुआ है, और दातों में तो वहाँ का तो बिल्कुल छोड़ दीजिए सर, बात नहीं हो रहा है, चलता ही नहीं है। तो सर्विस प्रोवाइडर से DCM साहब अभी बताया कि सर्विस प्रोवाइडर से बात करेंगे, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग तो अभी नामसाई में ही दे रहा है ना आप लोग, क्योंकि पहले से अगर देता तो इटानगर में ही सर्विस प्रोवाइडर हमारा ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, उससे तो हम लोग इसका रेक्टिफिकेशन हो सकता था, लेकिन आपने बताया DCM साहब इसको सर्विस प्रोवाइडर से बात करेंगे, इसको रेस्टोर करेंगे। देखिए 15, ये बहुत गलत प्रेमी है, ये एक कैलकुलेशन था कि हम सरकार आएंगे तो हम विदेशों में जितना पैसा इलीगली जमा है उसको हम वापस लाएंगे, अगर जितना विदेश में पैसा जमा है उसको कैलकुलेट करता है तो हर सिटीजन को 15 लाख तक मिल सकता है, हम देंगे बोल के नहीं बोला,
टोटल इलीगल अमाउंट डिपॉजिटेड आउटसाइड द कंट्री इज बीइंग कैलकुलेटेड एंड डिवाइडेड, अगर देश भर में उसको बांटना होता है तो एक आदमी को 15 लाख तो मिल सकता है। ये एक उदाहरण के तौर पे बताया गया था, तो उसको ऑपोजिशन ने मैनिपुलेट करके बोला है कि नहीं 15 लाख देगा बोला। ये तो एक कैलकुलेशन है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड आउटसाइड द कंट्री इलीगली, उसको अगर हम लोग ला सकता है तो हर नागरिक को, हर सिटीजन को इतना अमाउंट हो सकता है। ये एक उदाहरण के तौर पे, मतलब कांग्रेस का समय में कितना ह्यूज अमाउंट आउटसाइड द कंट्री डिपॉजिट करके रखा था, उसी के ऊपर में ये चर्चा था। हर सिटीजन को देगा बोल के नहीं, एक कैलकुलेशन एजम्पशंस था, उसको ओपोजिशन ने, कांग्रेस ने वो बोलते जा रहा है कि मोदी जी 15 लाख देंगे बोल के, ये गलत प्रेमी। देखिए इसमें कोई रीजन नहीं है। बाद में ये मोट पूछो, डीसीएम साहब, एमपी साहब नामसाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीएम साहब को क्यों नहीं लाया? ये है क्योंकि आप नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, लाल बहादुर शास्त्री तक, इंदिरा तक, राजीव गांधी तक और आपका मनमोहन सिंह तक, पार्लियामेंट में बहुत सा ऐसा एक्टिविटीज हुआ जिसमें प्रेसिडेंट को बुलाया नहीं है, और आप इवन प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुला के भी स्पीकर का भी बहुत सा रोल है जो अपना पार्लियामेंट के अंदर में एक्टिविटीज हो सकता है, तो कोई मैंडेटरी नहीं है। इसमें ऑपोजिशन ने प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बुलाया, ट्राइबल प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बुलाया, इसलिए हम लोग बॉयकॉट कर रहा है। तो ऑपोजिशन को मैं यही पूछता हूँ, आप ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब प्रेसिडेंट कॉन्टेस्ट कर रहा था, आप लोगों ने क्यों वोट नहीं दिया? आपको इतना ट्राइबल के लिए, ट्राइबल प्रेसिडेंट के लिए इतना चिंता है, तो आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में आपने क्यों वोट नहीं दिया? यह सब एक बहाना है, कोई रास्ता ढूंढना है, माने ऑपोजिशन जो है रूलिंग को बदनाम करने के लिए। इसमें कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। नहीं, ये प्रेसिडेंट, इसलिए प्रेसिडेंट का मैसेज पढ़ा गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मैसेज पढ़ा गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली दे हैव बीन गिवन अपॉर्चुनिटी। प्रेसिडेंट का भाषण हम लोग लोकसभा में सुना, राज्यसभा में सुना, इन लोग का मैसेज तो पढ़ के सुना है ना। तो नेहरू ने भी ये किया, सारा प्राइम मिनिस्टर अपना एक्टिविटीज प्राइम मिनिस्टर का लेवल से ही होता है, मैंडेटरी नहीं है गवर्नर ही आना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आना है। तो ऑपोजिशन को बहाना है ये बोलने के लिए, इतना ही है।